उत्तर भारत के राज्यों में घने कोहरे का सीधा असर फ्लाइट्स पर नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से दिल्ली और अमृतसर आने वाली 12 फ्लाइट्स को जयपुर एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट किया है, जिसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से संचालित फ्लाइटों का शेड्यूल गड़बड़ा गया है। ये रिपोर्ट देखिएगा। जयपुर एयरपोर्ट इन दिनों डायवर्ट फ्लाइट का अड्डा बन गया है। जब दिल्ली और अमृतसर में कोहरा छाया तो फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो पाई। ऐसे में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, भोपाल समेत कई शहरों से दिल्ली जा रही फ्लाइट्स को एक के बाद एक जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इसके कारण जयपुर एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बढ़ गया। स्पाइस जेट की बेंगलुरु से दिल्ली आ रही फ्लाइट SG204, एयर इंडिया की अहमदाबाद दिल्ली AI818, स्पाइस जेट की हैदराबाद दिल्ली SG160, एयर इंडिया की बेंगलुरु दिल्ली AI513, इंडिगो की लखनऊ दिल्ली 6E2108, एयर इंडिया की भोपाल दिल्ली AI436, अकासा एयर की अहमदाबाद दिल्ली QP1145, अकासा एयर की बेंगलुरु दिल्ली QP1359, एयर इंडिया की दमाम दिल्ली AI914, दुबई से अमृतसर जा रही स्पाइस जेट की SG56, विस्तारा की पुणे दिल्ली UK972, क्विकजेट की मुंबई से दिल्ली जा रही कार्गो फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। जयपुर एयरपोर्ट पर एक के बाद एक फ्लाइट के डायवर्ट होकर पहुंचने से जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल गड़बड़ा गया। नतीजा यह रहा कि 4 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द किया गया। एक दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स अपने तय समय से देरी से संचालित हुई। जयपुर एयरपोर्ट से करीब 4 फ्लाइट रद्द हुई। स्पाइस जेट की SG2974 वाराणसी से आने वाली फ्लाइट रद्द। स्पाइस जेट की SG2973 जयपुर वाराणसी फ्लाइट रद्द। स्पाइस जेट की SG3419 जयपुर सूरत फ्लाइट रद्द। इंडिगो की 6E7482 जयपुर पतंग नगर फ्लाइट भी रद्द हुई। जयपुर एयरपोर्ट से अहमदाबाद और पतंग नगर जाने वाली इंडिगो की 2 फ्लाइट्स अचानक रद्द की गई। इन फ्लाइट्स के रद्द होने पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। हालांकि फ्लाइट्स के रद्द होने के पीछे का कारण नहीं बताया गया, लेकिन अचानक फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट स्थित विमान कंपनी के काउंटर पर हंगामा कर दिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट।